क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। क्रिकेट की दुनिया धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत के दौरे का पूरा शेड्यूल जारी किया, जिसमें अक्टूबर में 3 T20 तो फिर दिसंबर जनवरी में 4 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। अब इस बीच वर्ल्ड कप को रद्द करने के ऐलान के साथ आईसीसी की मीटिंग होनी थी, लेकिन बड़ी बात ये हुई कि आईसीसी ने अपनी मीटिंग को ही रद्द कर दिया और अब 10 जून को नई मीटिंग होगी और इस बार वर्ल्ड कप को रद्द नहीं बल्कि खेले जाने का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के शेड्यूल ने कुछ ऐसा ही बड़ा इशारा दिया है। यही नहीं, अब तो आईपीएल और एशिया कप भी अलग वक्त और अलग जगह में होंगे, ये भी तय हो गया है। तो आपको बता दें तीनों बड़े टूर्नामेंट का क्या है अपडेट, आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें। तो बीसीसीआई को उम्मीद थी कि T20 वर्ल्ड कप रद्द होगा तो उसी खाली जगह पर आईपीएल कराया जाएगा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद आईसीसी भी T20 वर्ल्ड कप को रद्द नहीं बल्कि आयोजित करना चाहता है और इसीलिए 28 मई की बैठक को रद्द कर दिया गया और अब 10 जून को आईसीसी वर्ल्ड कप कराने का ऐलान करने वाली है और ये वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित होगा और ये करीब करीब पक्का हो चुका है, बस 10 जून को आईसीसी इसका औपचारिक ऐलान करेगी। अब वहीं इसके बाद आईपीएल की खबर आपको बताते हैं। तो बीसीसीआई आईपीएल के स्थगित होने के बाद दो विंडो लेकर चल रही थी। पहली विंडो वर्ल्ड कप वाली थी जबकि दूसरी विंडो वर्ल्ड कप से पहले सितंबर अक्टूबर की थी। अब वर्ल्ड कप होना तय हो चुका है तो ऐसे में 9 सितंबर से एशिया कप का भी आयोजन होना है, तो लिहाजा अब तय है कि एशिया कप की तारीखों को अगस्त के आखिरी हफ्ते से कराया जाएगा और फिर उसके बाद सितंबर से अक्टूबर के पहले हफ्ते तक आईपीएल खेला जाएगा। हालांकि सितंबर में होने वाला आईपीएल छोटा होना तय है और इसका फॉर्मेट भी बदला जाएगा। हालांकि इतना कंफर्म है कि आईपीएल रद्द नहीं होगा क्योंकि आईपीएल रद्द होने पर बीसीसीआई को कम से कम 5,000 करोड़ का नुकसान होगा और इसकी भरपाई बेहद मुश्किल है। लिया जाए आईपीएल होना तो तय है, अब इसके लिए भले ही एशिया कप की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े या फिर एशिया कप को थोड़ा सा पहले आयोजित क्यों न किया जाए। तो आप भी क्रिकेट फैन हैं तो क्रिकेट के फुल डोज के लिए तैयार रहें क्योंकि वर्ल्ड कप तो अब होगा ही, साथ ही साथ आईपीएल और एशिया कप का भी होना तय है। लिहाजा लंबे समय से क्रिकेट को मिस कर रहे फैंस के लिए अच्छी खबर है। तो आपका इस अपडेट पर क्या कहना है कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।